मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से किया है, और इसके साथ मैंने डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी किया है। फैटी लिवर, जब लिवर में 5% से ज़्यादा फैट डिपॉजिशन मिलता है, ऐसे कंडीशन को हम फैटी लिवर बोलते हैं। इंडिया में लगभग 20-30% लोगों में ये मौजूद है। फैटी लिवर दो तरह का होता है। पहला, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स की वजह से होता है, और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़ और वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और अगर फीमेल है तो PCOD, स्टेरॉइड्स अगर लंबे टाइम तक चल रहा है तो उसकी वजह से, कई सारे कैंसर्स में चलने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसकी वजह से ये होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो मोस्टली तो ये एसिम्टोमेटिक होता है। पेशेंट जब किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं, तब पेशेंट को पता लगता है कि उन्हें फैटी लिवर भी है। और जो कुछ पेशेंट में सिम्टम्स देखे जाते हैं वो है, यहाँ राइट अपर क्वाड्रेंट में उनको पेन और हेवीनेस रहता है, इसके साथ उनको ब्लोटिंग फील होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। और अगर ये डिज़ीज़ एडवांस हो गई, जैसे कि लिवर सिरोसिस हो गया या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो उसमें देखा जाता है कि आँखों में पीलापन आना, शरीर में खुजली रहना, पेट में पानी भर जाना और पैरों में सूजन होना, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। लोगों को पता कैसे चलेगा कि उन्हें फैटी लिवर कैसे है? इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि सबसे कॉमन है अल्ट्रासाउंड, और बहुत चीप भी है, तो इससे पता लग जाता है कि उन्हें फैटी लिवर है या नहीं, अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम देखते हैं SGPT, SGOT, बिलिरुबिन, इससे हमें पता लगता है कि लिवर में कितना सूजन है। और इसके अलावा जो हम और टेस्ट कराते हैं वो है डायबिटीज़ का, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फाइब्रोस्कैन, ये सारे टेस्ट हम कराते हैं। होम्योपैथिक में क्या कुछ इलाज है इसका, और घरेलू क्या क्या उपचार है जिससे इससे बचा जा सकता है या इसको समाप्त किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी फैटी लिवर जैसी दिक्कत से परेशान हैं तो अपने आसपास के होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें और इसका ट्रीटमेंट वहाँ करवाएं, क्योंकि होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ अगर हम बोले कि हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है ताकि आपका वेट रिड्यूस हो सके। जंक फूड, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड, ये सब बिल्कुल भी नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्ज़ी, सलाद, फल, ये सब खाना है, और एक्सरसाइज कम से कम आधा से एक घंटा अच्छे से करना है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, योगा, प्राणायाम, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन इतना अगर आप करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि आपका जो ब्लड रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड है, LFT है, ये सब धीरे धीरे करके इम्प्रूव करने लग गया और आप इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथिक में क्या कुछ दवाइयाँ होती हैं इसके लिए? जी बिल्कुल होती हैं। कितने दिनों का कोर्स चलता है? बिल्कुल होती है, मिनिमम 3 मंथ्स तक तो लेना पड़ता है। इतने में ही पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो देखने को मिलता है। और जो मेडिसिंस है, जैसे कि लाइकोपोडियम हो गया, चेलिडोनियम हो गया, कैल्केरिया काब हो गया, कार्डियस मैरनस हो गया, ये सारी कुछ मेडिसिंस हैं, लेकिन ये सारी मेडिसिंस आप बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए ना लें। आप अपने पास के किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, उन वहाँ पे जाकर के आप पूरा अपना केस दें, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन लें।